हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, फिर से एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे मेरा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स और अप टू क्लास 10 मैं जरूर अपलोड करूंगा। देखिए, क्वेश्चन क्लास 7 का मेंसुरेशन का है, क्वेश्चन ट्रिकी है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक आपका रेक्टेंगल है, ए बी आपका 40 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। इफ पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। पी क्यू आर एस साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए का मिडिल पॉइंट्स है, तो ये शेडेड पोर्शन का आपका एरिया निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये साइड आप निकाल लेंगे और ये जो है इसका आप एरिया निकालेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो रीजन है ये स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, आपको ये नहीं पता है। तो ये नहीं पता है तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं आप तो नहीं जान रहे हैं। तो देखिए, इसको किस तरह से हम लोग ट्रिक वे में करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये चूंकि ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है इसलिए हम लोग लेट नहीं कहेंगे। गिवन गिवन ए बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप एक चीज जान लें, जब ये मिडिल पॉइंट है इसलिए ये साइड इक्वल होगा, ये मिडिल है तो ये साइड इक्वल होगा, सेम पूरा का पूरा होगा। तो यहां आपको एक चीज देखना है, देखिए एरिया ऑफ निकालेंगे आप, देयर फॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू आपका कितना होगा, एल इंटू बी, एक एल है दूसरा बी है, दैट इज हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपको देखिए, ये आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये रोम्बस है कि पैरेलल है, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको ये दिखाना है कि पूरे एरिया में आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल के एरिया को आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, सभी ट्रायंगल आपका इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड, वैसे ये साइड होगा, ये साइड इक्वल होगा। इस स्थिति में कोई भी आप ट्रायंगल लेंगे, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है ना, आप लिखेंगे फोर ट्रायंगल, मान लिया अभी बात कर रहे हैं हम लोग पी बी क्यू की बात कर रहे हैं, फोर ट्रायंगल पी बी क्यू, आप क्या पाएंगे यहां पे, पी बी इक्वल टू क्या होगा आपका, पी बी इज इक्वल टू, पी बी इक्वल टू मतलब ए बी का हाफ हो जाएगा, तो ए बी आपका 40 है तो ये कितना होगा आपका 20 होगा, दैट इज 40 बाय 2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। आप इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। अब बी क्यू की बात करेंगे, बी क्यू ये आपका कितना होगा, बी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा ये टोटल का हाफ, दैट इज आपका ये 25 बाय 2, इसको करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। अब इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए एक चीज जान लें, यहां बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, चूंकि ये एक रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना 90 डिग्री होता है, यानी ये जो पी बी क्यू है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये ऑपोजिट जो है ये आपका हाइपोटेन्यूस कहलाता है, और ये दोनों में एक परपेंडिकुलर और एक बेस अपने आप हो जाता है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे एरिया है ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, किसी को भी बेस मान लेंगे, किसी को भी एल्टीट्यूड मान लेंगे, एक हमारा ये बेस हो गया मान लिया, देन 12.5 आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा, इतना आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इक्वल टू आप इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक आउट करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकला एक वन ट्रायंगल का, और इसमें पूरा का पूरा कितना देखिए 1, 2, 3 और 4 ट्रायंगल और सब इक्वल एरिया का है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल्स, आप फोर ट्रायंगल्स या फिर अनशेडेड एरिया भी कह लेंगे, तो इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 4 × 125 इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, आप लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट या शेडेड पोर्शन, जो भी है पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे। सिंपली आपका रेक्टेंगल के एरिया 1000 आया था, इसका आपका आया 500, दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो इसलिए यदि इस तरह का क्वेश्चन देता है थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे जरूर, आपको इस पेरा में नहीं पढ़ना है कि वो रेक्टेंगल है कि शेडेड पोर्शन क्या फिगर है, आप अपने मन से ऐसा नहीं करेंगे कि वो एक स्क्वायर मान लेंगे और अब निकालेंगे, कभी कभी वैसा में संयोग से आपको आंसर निकल सकता है लेकिन वो सही मेथड नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, कॉमेंट भी जरूर करें।